गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका आधार कार्ड खो चुका है और आपके पास फ़ोन नंबर भी नहीं है, जो नंबर आपके आधार में लिंक था वो फ़ोन नंबर भी नहीं है, या फिर आपके आधार में नंबर कोई सा भी लिंक है ही नहीं, तो आप अपना आधार कार्ड वापस कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, क्रोम ब्राउज़र। तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ। आपको एक नए टैब में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है UIDAI। ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को उसके लिंक को ओपन करना है। तो गाइज आप लोग देख रहे होंगे लिंक ओपन हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो है मेरा। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और आपको यहाँ पे गेट आधार एक ऑप्शन दिख रहा होगा। गेट आधार में नीचे ब्लू कलर का बहुत सारा लिंक होगा, तो आपको ध्यान से देखना है, ऑर्डर आधार रिप्रिंट। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मेरे सामने है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो ऑर्डर आधार रिप्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से, मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए मैं अगला प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड आपको इंटर करना है, तो मैं आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड टाइप कर देता हूँ। तो गाइज मैं आधार नंबर डाल चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया है ये डाल देता हूँ। तो कैप्चा डालने के बाद आपको देखना है, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप सीधे सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे और रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, और यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को आपको टिक कर देना है। तो मैं इस बॉक्स पे टिक करता हूँ। टिक करने के बाद आपको अपना पर्सनल नंबर यहाँ पे फिल करना है, जो कि एक्टिव नंबर है, ताकि इस पर ओटीपी आए तो आपको ओटीपी इंटर करना पड़े। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर कर देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए। तो गाइज नंबर डालने के बाद मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। तो जो नंबर मैंने डाला है उस नंबर पे ओटीपी गया है, तो मैं ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो गाइज मैं ओटीपी डाल दिया हूँ, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को आपको टिक करना है और सबमिट करना है। मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, तो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट मुझे करना है। 50 रुपये आपको आधार वाले चार्ज लेते हैं, और 10 रुपया और 20 रुपया या तो आपके बैंक का चार्ज होगा या जो भी चार्ज होगा वो एक्स्ट्रा आपके बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो गाइज़ मैं फ़िलहाल यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। तो गाइज़ मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, तो कार्ड नंबर वगैरह मैं डालता हूँ, प्राइवेसी की वजह से मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। तो गाइज़ मैं अपना डिटेल्स फिल कर चुका हूँ, अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। तो गाइज़ मैं ओटीपी अपना डाल चुका हूँ पेमेंट के लिए, और ओटीपी डालने के बाद सबमिट करता हूँ। तो गाइज आप देख रहे होंगे पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे पेमेंट का अपडेट आ चुका है। उसके बाद आप लोगों को डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे क्लिक करना है। तो गाइज मेरा ये स्लिप था ये डाउनलोड हो चुका है। अब मुझे 5 दिन 6 दिन वेट करना है, पोस्ट के थ्रू आपका आधार कार्ड आ जाएगा। तो उम्मीद है गाइज आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया और आपको अगर ये मेरा वीडियो फ़ायदेमंद लगा, अगर आपका आधार कार्ड खो गया है तो आप इस तरह से आप अपना आधार कार्ड वापस पा सकते हैं। तो गाइज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए,
और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू।